फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा मैंने बताया था कि मैंने माली मैं ढूंढूंगी, और फिर सुबह से वो माली का काम सारा, ये वगैरह पौधे वगैरह ठीक करने का। लुक, ही इज व्हाट यू आर डूइंग। वो सब कुछ काम वाम करके नहा धो के अभी जस्ट मैं बैठी हूँ। अभी बजे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बज रहे हैं अभी, और अभी जस्ट मुझे पार्सल रिसीव हुआ अनन्या की तरफ से, अनन्याज होममेड एलिगेंस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस मुझे रिसीव हुआ है। ओह माय गॉड, इसके साथ है इस टाइप के दो इयररिंग्स, एंड और ये है उसका और एक इयररिंग्स, और ये है उसका और एक इयररिंग्स। जिन्होंने पिछला जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अनन्या की तरफ से, जो भी ज्वेलरी कलेक्शन उसने मुझे लास्ट टाइम भेजे थे, वो मैंने पोस्ट किया था। अगर किसी ने अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में मैं दे दूँगी यहाँ पे, सो आप देख लेना उस वीडियो को। आई एम श्योर आप लोगों को उनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगेगा। सो हियर इज माई बनाना चिप्स एंड हियर इज माई ब्लैक कॉफी। नाउ आई जस्ट यूज दिस वन। ऐसे तो फेस में लगाने से मुझे कुछ खास इसका फर्क समझ में नहीं आता। दिस इज फ्रॉम वाओ एक्टिवेट चारकोल पील ऑफ मास्क। फेस में लगाने से मुझे कुछ डिफरेंस पता नहीं चला है। दो बार मैं ऑलरेडी इसको लगा चुकी हूँ, तो थोड़ा सोचा कि ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं, और इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। चलिए देखते हैं कि कितना ब्लैक हेड्स इसमें से निकलता है। सो नाउ यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली ड्राई। लेट मी I'm not seeing any difference. This is just waste of money. Good black thing. Kuch bhi nahi hai iske andar. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजे, और सॉरी मैं कल ब्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज कल पूरा दिन वेट करते करते चला गया कि मेरा सिस्टम रिसीव होने वाला है, लेकिन वो बंदा एक दो दो घंटे बाद बाद कॉल करके बोल रहा था कि हाँ वो आने वाला है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। फिर फाइनली 10:30 बजे के बाद मुझे लगा कि नहीं, वो नहीं आएगा। आज भी स्टिल वैसा ही है। इन बीच में मुझे मेरा स्पेक्स मिल गया, दिस इज माय न्यू वन। सो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि अभी सुबह उनका कॉल आया था कि वो पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। एंड और कल रात को क्या हुआ, कल रात को मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से वो वॉल स्टिकर मंगवाए थे, सो दिस इज द वॉल स्टिकर। सो दो बंडल मैंने मंगवाया था इसका, लेकिन ये मैंने वाइट में मंगवाया था और somehow ये मुझे बेज में मिला। सो और जब डिलीवर्ड हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि ये नॉन रिफंडेबल है। सो मैं तो परेशान हो गई कि क्या करूँ मैं। एंड देन मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर नॉन रिफंडेबल है तब भी आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप संग इन्फॉर्म करते हैं डिलीवरी के। तो थैंक गॉड मेरा रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो गया। अभी कुछ 25th या 24th के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा। सो आई एम होपिंग कि दिस टाइम की जो कलर मैंने ऑर्डर किया था वही आए, एंड फिर आप लोग देखेंगे कि कौन से वन में जाए। डोंट नो यार ये मेरा कब तक ठीक होगा। एक छोटा सा पिंपल आया था एंड उसको मैंने स्क्रैच कर दिया, उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एंड आई पुट सम ऑइंटमेंट हियर डॉक्टर को दिखा के, ये बहुत ही गंदे तरीके से बढ़ रहा है। आई डोंट नो, और मुझे लगा था कि कुछ इंसेक्ट वगैरह ने काट लिया है, फिर आई रिमेम्बर कि नहीं, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल आया था, देन उसको मैंने स्क्रैच किया था। अब इंसेक्ट ने काटा है या फिर मेरे स्क्रैच करने से ऐसा हुआ है, आई डोंट नो। बहुत ही गंदे तरीके से ये फैल रहा है। सो आई थॉट टू कि एक बार डॉक्टर को दिखा के एक बार, आई डोंट नो कब तक ये होगा। बहुत ही पेन है इसमें, आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटेड। तो आई थॉट कि बहुत दिन से मैंने कोई मेकअप वाला वीडियो शूट नहीं किया है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अ मेकअप वीडियो। जस्ट कम्प्लीटेड वन शूट आप देख सकते हो, और मेरे रूम की हालत देखो, मेरे बेड की हालत, लाइक दिस।
कुछ मिस पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो मैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इस सारे मिस को मुझे हटाना है। देन आई हैव टू क्लीन, देन आई हैव टू क्लियर दिस मेकअप एंड बस रात में अभी घड़ी में बज रहे हैं रात के 9:30। सो दैट्स ऑल, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं किसी अगले ब्लॉग पे। ये जो मेकअप मैंने क्रिएट किया है वो इस ब्लॉग के बाद या आ जाएगा कभी भी जब मैं एडिट कर लूँगी उसको। एंड टिल देन तब तक मिलती हूँ मैं किसी अगले ब्लॉग में या फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय।